यही बुढ़ा है बहन का लोड़ा, बहन का लोड़ा तब से फॉलो कर रहा है हमारे को। आंटी खिला दे रहे, आंटी खिला दे रहे। सो गुड मॉर्निंग गाइज, आज भी हम आ चुके हैं, मतलब आज भी ड्यूटी होगा, कल भी ड्यूटी होगा, एक वीक और ड्यूटी होगा। तो फिलहाल जाते हैं अभी गाँव में, मेरा हेल्थ एजुकेशन था वो तो मैंने एक दिन पहले दे दिया था, फोटो वीडियो अपने पास रखा हूँ और मैम को बोल दूंगा आज दिया हूँ, वीडियो फोटो में क्या ही पता चलता है, है ना। तो फिलहाल जाते हैं अभी, वो लोग कुकिंग करेंगे, मैं उधर ही उन लोगों के साथ रहूँगा और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिलहाल किधर है अंकल? इधर है घर, जाते वो लोग कुकिंग करेंगे, अभी देखते हैं। अरे क्या सीन है, इंसल्ट कर दिया भाई। इंसल्ट क्या करा रे? इंसल्ट क्या करा? डेली से आ रही हो, यहाँ पर घूम रही हो, कोई काम नहीं है तुम लोगों का। बोला नहीं काम से तो आ रहे हम, जैसे इसकी बाप की जमीन पे हम हकदारी बैठे ने आई है। ये लोग यही समझेंगे ना हमारे कुछ काम नहीं है, हमारे दिन यहाँ पे आ जा रहे हैं। बता यार ये कोई बात है? अब ये तो हमारे मतलब मैम सर लोग को समझना चाहिए ना कि हर दिन फेंक दे रहा हमारे को, बेइज्जती हो रहा ना हर दिन आके इधर। तो हैं जी सलम वाले गुस्सा कर रहा हमारे ऊपर छोटू रे, फिर इधर खाना बनाना अच्छा होगा। वो प्यार से बात करा ना, क्या हुआ? चलो खाना बनाना और क्या बोलते है? बोला नहीं आंटी को, आंटी तुम्हारे अच्छे के लिए हम कर रहे हैं सब। वो पता नहीं उसको मैं देख रही हूँ, तो जो आंटी घर में बनाऊंगी ना वो फिर बोला छोड़ो सुबह जाओ जाओ, बोला कि आधा घंटा बाद आओ क्योंकि कपड़ा धोना है, ज्यादा लेट वहाँ से बोले ज्यादा लेट नहीं हो जाएगा। क्या कर रहे हैं हम सलम मारे हर दिन, मतलब हमें पोस्टिंग चला इसलिए हमारे को हर दिन आना पड़ रहा है, ऐसे हमें शौक भी नहीं है इधर आने का। हम आ रहे हैं, इन लोगों को कुकिंग करना था, घर में गए मतलब सलम में घुसे, उल्टा हमें बेइज्जती कर रहा, उल्टा पुल्टा बके जा रहा। चलो हम तो फिर भी शहर है लेकिन कितना सहेंगे हम, ये भी बात है ना। और ये हमारे सर में उनको समझना चाहिए, हमारे जो भी हैं उनको समझना चाहिए कि हर दिन अगर किसी गाँव में जा रहे हो तुम तो ऑब्वियसली वो इरीटेट होगा चीज़ों से कि हर दिन ये लोग क्यों आ रहा है। उनका तो पर्सनल एक लाइफ है ना, ये लोग अपना लाइफ जो एंजॉय कर रहा है, जो भी मेंटेन कर रहा है, खुद का पर्सनल लाइफ है, तो लोग ऑब्वियसली इरीटेट होगा उससे, गुस्सा होगा उससे। तो कोई नहीं, हैबिट डालना पड़ता है ये सब चीज़, क्या करें अभी। तो चलते हैं फिलहाल, भी आधा घंटा बोला वेट करने के लिए उन लोग को, खाना बनाने के लिए देगा लेकिन आधा घंटा वेट करने बोला, आधा घंटा वेट करते हैं उन लोग का, फिर आधा घंटा होगा फिर निकलेंगे यहाँ से खाना बनाने के लिए उन लोग के लिए, मतलब वो लोग खाना बनाएंगे, मैं उन लोग के साथ ही रहूँगा ऑब्वियसली, मेरा सब कुछ ऑलमोस्ट सब कुछ कम्प्लीट है मेरा, वेट करते थोड़ा सा। टॉपिक का नाम बोल देना फिर समझ आ जाएगा, टॉपिक का नाम बोलना कौन सा टॉपिक है। ओके भाई इन लोगों देना है दोनों को, कनाडा में मेनली देना है, भाई सबसे बड़ा दिक्कत यही होता है। दो लोगों का हो गया हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन मतलब बेसिकली वही होता है, एक टॉपिक होता है, उस टॉपिक के बारे में फैमिली को समझाना पड़ता है। जैसे मेरा कोरोना वायरस था तो मैं कोरोना वायरस के बारे में समझाया था, इन लोगों के अलग अलग टॉपिक तो लोग समझा दिया। अब इसका खाना बनाना है लेकिन जिस घर में खाना बनाना उसने बोला था आधा घंटे के बाद आने के लिए, तभी वो लोग और कुछ बात कर रहे फैमिली से, कुछ और करना है कि उन्हें क्या करना है अभी। किसका टॉपिक है? एक टॉपिक और है, वो लोग बात कर रहे देने के लिए। इधर एक बहन का लड़का, एक बुढ़ा है, मैं जो लड़की छेड़ रहा हूँ, हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि ओबियस लैंग्वेज दिक्कत है, समझ नहीं पाएंगे वो भी और हम भी, और ज्यादा हम बोलेंगे जो स्लम वाले हैं पता नहीं क्या करें ना करें हमारे से ना। ड्यूटी है अभी भी एक हफ्ता, क्योंकि और एक्सटेंड हो गया उल्टे, हमारा 30 तक ड्यूटी था, आज 2 तारीख है, 10 तक तो ड्यूटी चलेगा। चलो फिलहाल है ना यहाँ से भी, और उधर बात कर रहे फैमिली से है ना कि देना है उन लोग को करना है। अब यहाँ चलेंगे, दो बंदे का, दो या तीन बंदे का बीपी चेक करना है ना, दो तीन बंदे का बीपी भी चेक करना है, वो भी होगा उधर करेंगे पेड़ के पास जहाँ पर हमेशा बैठते छाया में अच्छा खासा। फिर से आ गया बुढ़ा, क्या ये बुढ़ा है बहन का लोड़ा, बहन का लोड़ा बुढ़ा पीछे से आ रहा है, हम लोग 12 थे, 12 हाँ, और पीछे बहन का लोड़ा जो लड़की छेड़ रहा है उससे। छोटू एक घंटे में खाना बन जाएगा क्या? एक घंटे में खाना बन जाएगा, गैस है चूल्हा है, खुशी देख लड़की का चूल्हे पर खाना बना रही है, खुशी देख। पेपर नहीं
दो बंदे का बीपी चेक करा उधर, एक रिपोर्ट वगैरह देखा हमने, वो प्रेगनेंट का कुछ सीन था, मतलब लेडी मतलब एक लड़की थी उसने भी देखा अच्छे से, फिर इधर खाना बना रही है बहन का लोड़ा, तब से फॉलो कर रहा है हमारे को, इधर भी आ गया अंकल, तब से फॉलो कर रहा है हमारे ग्रुप में, लड़की है उसके आगे पीछे घूम रहे हो, अभी आता तो फिर बताता हूँ उसको, रुक जा, चला गया, वो सर देखा नहीं मतलब इसलिए चला गया वापस, अचानक से पीछे कैसे पड़ गया तेरा ही, वो ये तो गलत है, फिर अभी आता ना इसको मैं दिखाता अच्छे से, बुड्ढा फिर से बाहर घूम रहे क्या, ये सरसों का तेल है छोटा, चूल्हा में लास्ट खाना कब बनाई थी तू, बचपन में दादी वादी के, तू अभी भी बचपन में ही है अपने, अच्छा तेरा टॉपिक क्या था, ये खाना किसके लिए बना रही है, पूछने से लोग, ये बच्चे खाएंगे मम्मी खाएंगे, बच्चे खा सकते हैं, ओके मराठी येते तुला, नहीं आता है मराठी, मराठी बोला का सच्चे बस मैं पैरों में डाल के वो मेहनत कर रही है, हमारे काफी नशा तो बोल करो निकाल लेती कि नहीं, कितना सिखा लेती है नहीं सिखा लेती मामा, सिखा लेती, सिखा लेती दादा, ए पैर दे दे मुझे बेटा, पैर दे दो नहीं बना दिया खाना, रोटी था और अंडा आलू का सब्जी, और ये फैमिली ऐसा था कि फैमिली बोला कि हमें फोटो मतलब वो फोटो और वीडियो अलाउ नहीं कर रहा था हमारे को लेने के लिए, वो कंफर्टेबल नहीं था, उसके हस्बैंड ने मना कर रखा था कि कोई भी कुछ भी आके घर में करे फोटो वीडियो नहीं देना उसको, तो फोटो वीडियो तो ले नहीं पाए उस आंटी का जिस आंटी के लिए खाना बन रहा था, एक्चुअली आंटी के लिए खाना था,
जिसका एक साल का बच्चा हो ना उसका खाना क्या होना चाहिए वो खाना था बेसिकली। तो फिलहाल सब कुछ खत्म, आधा घंटा वेट करेंगे, फिर टाइम होगा तो फिर निकल जाएंगे यहाँ से। आज का ड्यूटी खत्म, अब एक कल का टेंशन रहेगा और अगले भी पूरा टेंशन रहेगा इस ड्यूटी का। फिलहाल यहाँ से निकलते हैं बस पे और बस से सीधे कॉलेज, लंच, फिर कॉलेज वापस से है छोटा। और धूप बहुत गंदा वाला हो रखा है, पता नहीं क्या से। कोई नहीं, खत्म ड्यूटी। अब बहन जो दिक्कत होगा मेरे को पार्किंग से ये निकालने में, करते कुछ मैनेज। अभी कॉलेज जाके मेरे को मैम को ये दिखा के यहाँ साइन लेना पड़ेगा। ये प्रोसीजर आज कराना, मैं परसों ही करा था लेकिन साइन आज लेना पड़ेगा मेरे को फटाफट। और धूप इतना गर्म है जो फोन उठाने का मन भी नहीं करता धूप में। क्लास जाते हैं। कॉलेज से निकला हूँ, इतना खुंदक आ रहा है अभी। मैं रीज़न बता रहा हूँ क्यों खुंदक आ रहा है। कॉलेज में दो क्लास होना था, कम से कम अटेंडेंस हो जाता चल ठीक है, वही चाहिए था हमारे को। एक भी काम नहीं हुआ, फालतू में क्लास में बैठे हैं, गाली वाली सुन रहे बैठ के, हमने अटेंडेंस मिल रहा है। मैं दिखाया था वीडियो का पहले, मैंने एक चीज़ मेरे को सबमिट करवाना था, मैं साइन लेना था मेरा, वो भी नहीं हुआ। मैम के चक्कर काट रहा हूँ, मैम भी डिपार्टमेंट में मिल नहीं रही है मेरे को। मतलब लिटरली अगर मैं बोलूँ ना अपना ओपिनियन मेरा क्या था आज के क्लास का, लास्ट का दो क्लास बिल्कुल ही खराब गया। क्योंकि ये अब देख चूचे को देखता हूँ, एक यही मोमेंट है जिम आने वाला जो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। पूरा दिन अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारा पूरा दिन अलग रहा है तो बस तुम्हें शाम को इधर आके ही मजा आने वाला और अच्छा लगने वाला है। फिलहाल जिम आ चुके हैं अभी और 10 मिनट ज़्यादा पहले आया हूँ, शायद जिम खुला है। नीचे का डोर ओपन था मतलब ऊपर का भी दरवाज़ा खुला ही होगा जिम का। फिलहाल जिम जाते हैं, आज का वर्कआउट ज़्यादा टाइम लूँगा नहीं मैं, कम से कम टाइम लूँगा। फटाफट निकलूँ और भी काम है मेरे को जाने के, मतलब जल्द जाएंगे तो और भी काम है मेरे को, वो सब काम जाए करना है मेरे को। फिलहाल तो आ चुके हैं जिम से, जाते हैं जिम खुला है, फटाफट ओवर पड़ते हैं और निकल जाते हैं। ज़्यादातर मेरा जिम यहाँ पे है नहीं, बहुत कम नंबर आ रखा है क्योंकि अभी स्टार्टिंग है ना, मतलब अभी अभी जिम मैं नहीं सी है। वर्कआउट मेरा और पहले हो जाता, लेकिन एक फ्रेंड है राहुल करके, मतलब ब्लॉग में एक दो बार आ रखा है और पता भी है बोलते हो प्राउड फॉर्म है। तो वो पहले मेरे साथ जिम करता था बहुत दिन, जिम पहले मैं पुराना जगह में था ना उधर, मेरे साथ जिम आता था, जिम करता था वो, उसको फिर से जिम ज्वाइन करना था, उधर फिर करके छूट गया था वो, उसको फिर से जिम ज्वाइन करना था, तो इसीलिए थोड़ा उसके लिए टाइम लग गया। क्योंकि जब से नया जिम शिफ्ट हुआ है ना तो सबसे पैसा मेरा एडमिशन था, लेकिन वो मेरे से पैसा लिया नहीं क्योंकि मैं बहुत दिन से जिम आता हूँ ना और मैं जानता पर्सनली हूँ, तो मेरे से पैसा लिया नहीं। तो वही सीधा कि राहुल से पैसा ले लेता अगर मैं नहीं रहता था, तो मैं तो थोड़ा पैसा वैसा कर लिया, पैसा मतलब वही एडमिशन का पैसा लिया नहीं, एक्स्ट्रा का ले लेता अगर मैं नहीं रहता, फिर वो सब करवाना था, फिर थोड़ा एक दो वर्कआउट बताना था, थोड़ा टाइम लग गया 15-20 मिनट एक्स्ट्रा, तो बहुत देर पहले निकल जाता, थोड़ा बात भी करा और बस। मेरा वर्कआउट तो पहले आया था मेरा खत्म हो गया, वो तो अभी आया था 15-20 मिनट पहले, उसका अभी तक चल ही रहा है। तो वही वर्कआउट वगैरह करके निकलेगा, मैं फिलहाल निकल चुका हूँ अभी जिम में ओवर, यहाँ से निकलूँगा मार्केट अभी, देखता हूँ कुछ काम है तो काम करेंगे, काम नहीं होगा तो निकलते हैं सीधे रूम पे। और आज का वेदर दिखा दो कितना प्यारा हो रहा था शाम का, पूरे बादल लग रखा है, सही है।